सभी बच्चे ध्यान देंगे, जैसा कि पिछली कक्षाओं में नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने आलेखन क्या होता है, आलेखन का क्या महत्व है, उसमें इकाई का क्या प्रयोग है, इकाई को कितने प्रकार से आलेखन में सजाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। आज हम आलेखन के कितने प्रकार होते हैं इसके विषय में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि आलेखन के कितने कितने प्रकार होते हैं। आलेखन के कुल चार प्रकार होते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन दिया हुआ है, तो फोर टाइप्स के डिज़ाइंस यानी कि चार प्रकार के आलेखन होते हैं। हमारा पहला है प्राकृतिक आलेखन, नेचुरल डिज़ाइन। दूसरा अलंकारिक आलेखन, ऑर्नामेंटल डिज़ाइन। तीसरा ज्यामिति आलेखन, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन। चौथा और आखिरी सूक्ष्म आलेखन, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। बच्चों, इसमें प्राकृतिक आलेखन, सभी आलेखन चार प्रकार के आलेखन हैं, चारों प्रकार के आलेखन में कुछ ना कुछ अंतर है। और नोट्स के माध्यम से आपको मैंने बताया था कि हाँ ये कितने प्रकार के आलेखन हैं, पर आज हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक समझेंगे। हमारा पहला है प्राकृतिक आलेखन यानी नेचुरल डिज़ाइन। अलंकार प्राकृतिक आलेखन या एक बहुत ही अलंकारपूर्ण आलेखन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रकृति में दिखने वाली चीज़ें जो होती हैं हूबहू उसी को बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत कमल के पुष्प या अन्य कोई पुष्प, पत्तियां, पशु पक्षी, पहाड़ इत्यादि चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं, जिसे उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें हूबहू दिखने वाले प्रकृति के रूप में जो पुष्प है यानी कमल इसमें दिखलाया गया है, इसकी पत्तियां और कलियां जो हैं जैसे हमें दिखते हैं हूबहू उस तरह से इसमें दिखाया गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें पक्षी भी है और प्राकृतिक सूर्य भी है। ये हमारा हो गया प्राकृतिक आलेखन, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल डिज़ाइन कहेंगे। अब इसके बाद अगला हमारा आलेखन आता है अलंकारिक आलेखन। हाँ बच्चों, अलंकारिक आलेखन एक बहुत ही इसे सरल भी माना जाता है, और एग्ज़ाम्स में अगर देखा जाए तो अधिकतर प्रश्न अलंकारिक आलेखन बनाने के लिए ही इसमें बताया जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तरह से अलंकारिक आलेखन बनाया जाए, उसकी क्या खासियत है, ये हम इस पर ध्यान देंगे। अलंकारिक आलेखन, ये हमारा अलंकारिक आलेखन है, जिसमें प्रकृति में दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे हूबहू ना बना करके उस लयात्मक रेखाओं का उसमें प्रयोग होता है। कमल, कमल की पत्तियाँ, कलियाँ, ये सब ही लयात्मक रेखाओं के माध्यम से बनाई जाती हैं। यह आलेखन जो है काफ़ी रेखाएं जो इसमें हैं ये देखें घूमी हुई हैं, और जो लयात्मकता को दिखाती है। यह हमारा हो गया अलंकारिक आलेखन। जिसे अंग्रेजी में हम ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं ज्यामिति आलेखन, तीसरा ज्यामिति आलेखन। बच्चों, ये बहुत ही एक अलग तरह का आलेखन होता है, जिसमें हम प्रकृति में दिखने वाले जो वस्तु होते हैं, वस्तु जगत या प्रकृति में जो भी चीज़ें होते हैं उसे ना बना करके हम इसमें ज्यामिति आकारों का प्रयोग करते हैं। ज्यामिति आकारों में जैसे कि हमारा हो गया अर्धवृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखाओं इत्यादि के संयोजन से इस तरह से हम ज्यामिति आलेखन का निर्माण करते हैं।
एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और रेखाओं के माध्यम से इस आलेखन को सजाया गया है। तो यह हमारा हो गया है ज्यामिति आलेखन। जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कहते हैं। आलेखन के इस क्रम में आखिरी और अंतिम हमारा आता है सूक्ष्म आलेखन। सूक्ष्म आलेखन यह आलेखन जो होता है इसमें प्रकृति रूप में जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं उसमें हम अपनी तरफ से कुछ उसमें बदलाव करके हम उसे बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रकृति रूप में मछली जैसे है हमें दिखता है, हम उस तरह से ना बना करके इसमें कुछ परिवर्तन किए, जो हमें व्यवहारिक रूप में जो चीज़ें दिखती हैं उससे थोड़ा हट करके बनाते हैं।